नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। तालिबान का दी एंड। जी हां, ऐसी ही सुगबुगाहट जो है अफगानिस्तान में दिखाई दे रही है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर कब्जा जमाकर भले ही तालिबान ने अपनी सरकार बनाने की ओर कदम बढ़ा दिए हों, लेकिन अभी भी वो एक मिशन से कोसों दूर है। अफगानिस्तान के पंजशीर पर तालिबान अभी तक अपना कब्जा नहीं जमा पाया है और जिस तरह के हालात हैं उसके लिए ये जंग जीतना आसान नहीं होगा। वो क्यों, तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर तालिबान के लिए ये जंग जीतना मुश्किल क्यों है। अफगानिस्तान के पंजशीर अंद्राब बलगान प्रांत में नॉर्दर्न एयरलाइंस के लड़ाकों ने तालिबान के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। यह क्षेत्र अहमद मसूद का है, साथ ही यहां पर अफगानिस्तान के कार्यकारी राष्ट्रपति अमरुल्ला सालेह भी रुके हुए हैं। नॉर्दर्न एलियंस वही गुट है जिसने अब से 20 साल पहले तालिबानियों रूसी सेना को कड़ी टक्कर दी थी। अब एक बार फिर तालिबान के खिलाफ सबसे बड़ी दीवार बनकर ये लड़ाके सामने आए हैं। जानकारी के मुताबिक तालिबान ने इस इलाके में हमला करना चाहा था, लेकिन वो नॉर्दर्न एयरलाइंस के लड़ाकों के चंगुल में आ गए। दावा किया जा रहा है कि करीब 300 तालिबानियों को मौत के घाट उतार दिया गया। हालांकि ये लड़ाई अभी थमी नहीं है क्योंकि बड़ी संख्या में तालिबानी लड़ाकों ने पंजशीर का रुख कर लिया है, जहां उनकी कोशिश इस इलाके पर पूरी तरह से कब्जा जमाने की है। लेकिन पंजशीर में पूरी तरह से तैयारियां हो चुकी हैं और जिस तरह से खबरें सामने आ रही थी कि 300 तालिबानी आतंकी मार गिराए गए हैं, उस पर तालिबान की तरफ से ये कहा गया है कि हम इस बात को नहीं मानते, यानी सिरे से इस बात को खारिज कर दिया गया है। जानकारी यह भी मिली है कि तालिबान ने 10,000 आतंकी जो है वो पंजशीर भेज दिए हैं। तो काबुल पर कब्जा जमाने के बाद तालिबान अफगानिस्तान में सरकार बनाने की तैयारी कर रहा है। इसके साथ ही वो अपनी दागदार छवि को सुधारने की भी लगातार कोशिश करते हुए नजर आ रहा है। लगातार तालिबान की तरफ से ऐसे बयान दिए जा रहे हैं जो उसके किरदार से बिल्कुल जुदा हैं। तालिबान सबकी सुरक्षा की बात कर रहा है, महिलाओं के हक की बात कर रहा है। इसी कड़ी में तालिबान की तरफ से सुरक्षा इंचार्ज की जिम्मेदारी संभाल रहे खलीलुर रहमान हक्कानी का बयान भी सामने आया। हक्कानी ने एक चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा है कि तालिबान देश की सुरक्षा व्यवस्था बहाल कराने की कोशिश कर रहा है जिसे पिछले 4 दशकों से युद्ध देखे हैं। जी हाँ, अफगानिस्तान ऐसा ही है। अफगान लोगों में भरोसा कायम करने के मकसद से हक्कानी ने यह भी कहा है कि अगर हम सुपर पावर को हरा सकते हैं तो निश्चित तौर पर अफगान लोगों को सुरक्षा भी दे सकते हैं। तालिबान के सुरक्षा इंचार्ज का यह बयान काफी अहम माना जा रहा है, जहां उसने कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना के तर्ज पर बात की है। जी हाँ, निगाहें अफगानिस्तान पे, लेकिन निशाना सीधे तौर पर अमेरिका और सोवियत संघ पे है। इसे अमेरिका के लिए कड़े संदेश के तौर पर देखा ही जा रहा है, साथ ही अफगान लोगों में भरोसा कायम करने वाला भी माना जा रहा है। हक्कानी ने अपने इस बयान में यह भी कहा है कि एक सुपर पावर थी जो हमें बांटने के लिए बाहर से आई थी, उन्होंने हम पर युद्ध थोपा, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, हम सब अफगान हैं। लेकिन हकीकत क्या है वो तो पूरी दुनिया इस पूरे सप्ताह देखती ही आ रही है। तालिबान के चेहरे किस तरह से बदल रहे हैं इसके बाद की तमाम वीडियोस में, तमाम फोटोज में नजर आती है। जो भी खबरें सामने आ रही हैं अफगानिस्तान में और जो भारतीय अफगानिस्तान से वापस लौटे हैं, वो तालिबान का असली चेहरा लगातार दिखा रहे हैं। तालिबान की क्रूरता, तालिबान की जो खौफ है वो लगातार दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। तालिबान की निगाहें कहीं और है, निशाना कहीं और है। अब तालिबान अपने आप को अमेरिका से कंपेयर करता हुआ नजर आ रहा है। उसका कहना है कि हम महाशक्ति को अगर हरा सकते हैं, महाशक्ति के सैनिकों को खदेड़ सकते हैं, तो फिर हम अफगानिस्तान पर या पंजशीर पर कब्जा क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि पंजशीर में तालिबान का अब तक कब्जा नहीं है। अगर बात कंधार और काबुल की जाए तो ये वो मुख्य शहर है जहां पर तालिबान ने पूरी तरह से अपना कब्जा किया है, अपने पैर जमा लिए हैं। और जो शरिया कानून को तालिबान मानता है वो शरिया कानून को पूरी तरह से लागू करने की बात कही जा रही है। अभी तो तालिबान महिलाओं के हक की बात करता है, लेकिन महिलाओं के हक की जो बात तालिबान की तरफ से की जा रही है और जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, उसे जरूर कहा जा सकता है कि तालिबान की कथनी और करनी में बहुत ज्यादा फर्क है। तालिबान करता कुछ और है, दिखाता कुछ और है। तालिबान पर विश्वास करना नामुमकिन है और भारत तालिबान पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता, चाहे भले ही वो भारत की कितनी भी तारीफ कर ले और ये कह ले कि हम भारतीयों के साथ हैं।
और इसी मसले पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे डिप्टी एडिटर कावेंद्र चौहान, न्यूज रूम से मेरी सहयोगी पारुल त्यागी और मनीषा शर्मा जुड़ गए हैं। तो आज इस मुद्दे पर चर्चा होगी कि आखिर तालिबान में क्या चल रहा है। सबसे पहले मैं रुख करूंगी कावेंद्र का। कावेंद्र, जिस तरह की तस्वीरें आज सामने आ रही है, तालिबान के कब्जे को एक हफ्ते से ज्यादा का वक्त हो गया है। बहुत सारे चेहरे हमने तालिबान के देखे हैं, लेकिन आज जो बयान तालिबान की तरफ से कहा गया है कि वो महाशक्ति को हरा सकता है, आंखें दिखा सकता है, तो अफगान उसके लिए बड़ी चीज नहीं है। क्या कहेंगे इस पर? जी बिल्कुल काजोल, जिस तरीके से आप बता रही हैं कि तालिबान ने ये कहा है अमेरिका को लेकर कि वो महाशक्ति को हरा सकता है, तो अफगानिस्तान उसके लिए बड़ी चीज नहीं। तो इसको लेकर साफ कर दूं कि ये उनकी सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि उन्होंने हराया नहीं है अमेरिका को। दरअसल अमेरिका खुद भाग गया है। अमेरिका को जो यहाँ पर जितना कुछ काम करना था उसने कर लिया है, और अपना काम करके डिसबैलेंस क्रिएट कर पूरी कंट्री को हिला देने के बाद अब वो वापस आ चुका है। तो यहाँ पर तालिबान ने कुछ नहीं किया है, जो किया है वो अमेरिका ने किया है। लेकिन जैसे कि हम लोग लगातार पहले दिन से बात कर रहे आ रहे थे काजोल, कि ज्यादा दिन का नहीं है ये तालिबान का जो टेक ओवर की जो कहानी है, ये ज्यादा दिन की नहीं है, ये शुरू होते ही खत्म होने की दास्तान है। और ये चीज शुरू हो चुकी है। आपको पंजशीर के बारे में जो बार बार बता रही है, वहां पर अहमद शाह मसूद जो है उनके जो फादर थे अहमद, उनको लायन ऑफ पंजशीर कहा जाता था, जिनका इन्हीं लोगों ने, तालिबान के लोगों ने जिनकी हत्या कर दी थी। अब ऐसे में आपको बता दूं कि यहाँ पर जो अहमद मसूद है उसने अब वाइस प्रेसिडेंट जो समरुल्ला के सलेह के साथ भी हाथ मिला लिया है। अब एक साथ तो अब ये पूरी एक टीम गठित कर रहे हैं जो एंटी तालिबान फोर्सेस बना रहे हैं। तो ज्यादा दिन का नहीं है। अब फिर एक बार रेजिस्टेंस जब स्टार्ट हो जाएगा, फिर जो लड़ाई होगी, अब वो जो लड़ाई होने जा रही है को टेक बैक कर देगी। बिल्कुल कावेंद्र, और जिस तरह से अमेरिका को खुली चुनौती यहाँ तालिबान ने दी है, क्या इस पर फाइट बैक अमेरिका कर सकता है? जी देखिए, अमेरिका के सामने तालिबान बहुत छोटा एक बालक है उनका, क्योंकि इसको इस नजर से देखा जा सकता है कि अमेरिका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। मैंने आपसे बहुत पहले भी एक बात कही थी कि अमेरिका ने सिर्फ इंटरेस्ट लूज किया अफगानिस्तान से। जिस दिन उसका इंटरेस्ट ज्यादा वो आएगा में आएगा, सुबह तक तालिबान का नामो निशान खत्म हो जाएगा। तो ऐसे में तालिबान जो जितनी भी धमकियां देती रहे, जितनी भी बातें करता रहे, वो वही बातें हैं जैसे पाकिस्तान भारत के लिए करता रहता है। तो इससे फर्क नहीं पड़ने का। तो तालिबान की स्थिति भी वही है, ये छूटा चूजा है जो के सामने है, जो की धमकियां दे रहा है, बातें कर रहा है। लेकिन तालिबान के जो कमांडर है वो भी ये जानते हैं कि अमेरिका के सामने वो कहीं भी स्टैंड नहीं करते हैं। जो है उसको जो काम करना था वो कर वापस आ चुका है। हाँ, एक चीज कि अब तालिबान ने जो एक बात कही है कि अगस्त के एंड तक अमेरिका का कोई भी सैनिक वहां पर नजर नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपको बता दें कि अमेरिका उसके अलावा जितनी भी नाटो फोर्सेस हैं वो सब वापस आ चुके हैं, लेकिन अभी भी काबुल एयरपोर्ट पर कुछ सैन्य बल जो है वो बचे हुए हैं। तो इसको लेकर जो तालिबान ने कहा कि इनको आ लीजिए अगस्त के एंड तक, वरना अंजाम बुरे होंगे, तो ये अंजाम बुरे होने की जो बात है ये देखना अहम हो जाएगा कि अगर फोर्सेस नहीं हटती हैं तो तालिबान किस तरीके से रिएक्ट करता है। अगर थोड़ा सा हिंसा को रिएक्ट करने की कोशिश की गई तो अमेरिका फिर इनको छोड़ने वाला तो है नहीं। बिल्कुल कावेंद्र, मैं जल्द आपका रुख करूंगी, आप हमारे साथ बने रहिए। पारुल त्यागी मेरी सहयोगी भी न्यूज रूम से लगातार मेरे साथ बनी हुई है। पारुल, देखिए आज जो तीन तस्वीरें जो हैं वो सामने आई है तालिबान की। पहले ये कि जिस तरह से तालिबान अपने आप को ये कह रहा है कि वो एक महाशक्ति बनने जा रहा है, अमेरिका से अपने आप को कंपेयर कर रहा है। दूसरी तस्वीर अफगानिस्तान से ये सामने आई कि जो भारतीय हैं जो वापस आ रहे हैं उनमें गुरुद्वारों से तीन गुरु ग्रंथ साहिब भी थे, और ये बेहद ही खूबसूरत तस्वीर थी, आंखों में आंसू ला देने वाली। इसके अलावा जो तीसरी तस्वीर है वो ये है कि पंजशीर में अब ऐलान जंग होता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले मैं दूसरी तस्वीर का जिक्र यहाँ पर पारुल करना चाहूंगी कि ये जो बहुत ही भावुक तस्वीर है, किस तरह से लोग अपने आप को तो बचा ही रहे हैं लेकिन अपने धर्म को लगातार बचाते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल काजोल, सबसे पहले मैं खुद दूसरी तस्वीर का जिक्र करने वाली थी, क्योंकि देखिए बेहद ही कुर्ता वाली तस्वीरें तो लगातार सामने आ रही हैं, लेकिन ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जो हर किसी को जो है बेहद दिल को छू दे, क्योंकि दिल को छूने वाली तस्वीरें कहेंगे, क्योंकि जो जिस तरह से काबुल की स्थिति है हर रोज भयावह तस्वीरें सामने आती है। लेकिन अब जो काबुल एयरपोर्ट से तस्वीरें सामने आई है कि हिंदू सिख जो वहां पर फंस गए थे वो अब भारत जो लौट रहे हैं वो सर पर गुरु ग्रंथ साहिब भी लेकर आ रहे हैं, यानी कि अपने धर्म के प्रति कितना ज्यादा प्यार लोगों में है ये साफ तौर पर दिख रहा है। काजोल, सिर्फ यही नहीं, ऐसी लगातार
लगातार तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं जो हर किसी को जो है छू जाए, हर किसी के दिल को छू जाए। क्योंकि अगर मैं बीते दो तीन दिन पहले की बात करूं तो काजोल आपको भी याद होगा और हर किसी ने वो तस्वीर देखी कि यूएस आर्मी काबुल एयरपोर्ट पर तैनात थी और एक माँ बाप थे जो अपने कुछ महीने के बच्चे को यूएस आर्मी को सौंप रहे थे कि आप इसको ले जाइए ताकि हम अगर यहाँ पे रह जाते हैं किसी भी तरह हमारे बच्चे का जो भविष्य है वो पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा और सेफ रहेगा, हमारा बच्चा जहां भी होगा वो यहाँ की क्रूरता में तालिबान का जो ये शरिया कानून है उसके तहत उसको नहीं रहना पड़ेगा, हम किसी तरह से अपनी जिंदगी गुजार लेंगे लेकिन हमारा बच्चा जो है वो अच्छे से सुरक्षित रह पाएगा। इसीलिए अब आज की तस्वीर की अगर काजोल बात करूं तो गुरु ग्रंथ साहिब सर पर लेकर तीन लोग आते दिखे हिंदू सिख जो है और लगातार काजोल देखिए वहां पर फंसे लोग जो है वो किसी भी तरह बस यही चाह रहे हैं कि वो जल्द से जल्द अपने देश वापस लौटाएं, अपने वतन वापस लौटाएं, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि एक दिन ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी, एक दिन इस तरह से तालिबान आकर एकदम से कब्जा जमा लेगा कि जो भारत के लोग वहां पर जाकर रोजगार के लिए गए थे वो इस तरह से फंस जाएंगे। और इसीलिए काजोल देखिए तमाम ऐसे लोग हैं चाहे वो भारत में हो या फिर वो काबुल में फंसे हो, क्योंकि देखिए काबुल में जो लोग फंसे हुए हैं काजोल उनके माँ बाप भी यहाँ पर बहुत परेशान है। हर रोज हम ऐसी भावुक तस्वीरें देखते हैं, रोते बिलखते उन माँ बापों को देखते हैं, उन परिवारों को देखते हैं जो बस यही सरकार से गुहार लगा रहा है, यही वो चाहते हैं कि किसी भी तरह जो हमारा सदस्य हमारे परिवार का जो भी है वो वापस से वापस जल्द से जल्द काबुल से वापस ले आया जाए। और इसीलिए और ये सच में वाकई बेहद ही मार्मिक तस्वीरें हैं, खूबसूरत तस्वीरें हैं, डर के साए में भी अपने धर्म के लिए जो प्रेम है वो वाकई काबिल तारीफ है। मनीषा मेरी सहयोगी भी न्यूज रूम से लगातार बनी हुई है। मनीषा, पंजशीर घाटी में अफगानिस्तान के 300 जो आतंकी हैं वो मार गिराए गए हैं, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन तालिबान ही कहता है कि उसका कोई लड़ाका नहीं मारा गया है, उल्टा 10,000 जो आतंकी हैं वो उसने पंजशीर भेजे हैं। क्या पंजशीर से तालिबान को खतरा हो सकता है? जी बिल्कुल काजोल, जैसे कि लगातार अब इन दिनों जो अफगानिस्तान किस तरीके से किन हालातों से गुजर रहा है, जब से तालिबान ने पूरा कब्जा किया अफगानिस्तान पर, ये किसी से छिपा नहीं है, हर रोज ऐसी कोई ना कोई तस्वीर आ जाती है जो कि कई जैसे कि मेरी सहयोगी पारुल त्यागी ने भी बताया कि किस तरीके से भावुक कर देने वाली तस्वीरें भी है। लेकिन अगर बात आज की जाए कि किस तरीके से वो 300 आतंकी जो मारे जाने की बात कर रहा है तालिबान, लेकिन अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि हाँ वाकई में ये आंकड़ा स्पष्ट तौर पर कहा जा सकता है। लेकिन बात ये कि अगर तालिबान सुधरा हुआ है, क्योंकि तालिबान अपनी तरफ से पूरी तरीके से ये साफ कर चुका है कि ये वाला जो तालिबान है वो 2.0 की तर्ज पर है, यानी कि बदला हुआ तालिबान है, इससे किसी को डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ अगर ऐसी चीजें सामने आती हैं जहां पर अभी हाल ही में अपडेट ये है कि एयरपोर्ट पर, काबुल एयरपोर्ट पर सैनिकों ने हमला किया है जिसमें मौत भी बताई जा रही है और कई लोग घायल भी हैं, तो ऐसे में अगर शांति चाहता है तालिबान और अगर वहां के लोगों को वो कोई कष्ट नहीं देना चाहता है तो आखिर ऐसी तस्वीरें दूसरी तरफ क्यों, आखिर हमले वाली खबरें सामने क्यों आ रही हैं? तो ये साफ तौर पर दो चेहरे यहाँ पर जो तालिबान के हैं वो नजर आते हैं, क्योंकि एक बार तो तालिबान कहता है कि हम तो सुधरे हुए हैं, हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका के सैनिकों को वो वापस फुटबैक करने की कोशिश करता है कि आप वहां से चले जाइए, क्योंकि उन्होंने 31 अगस्त तक का टाइम भी दिया है कि आप वहां से चले जाइए। ठीक है मनीषा, बिल्कुल मैं जल्द आपका रुख करूंगी। काविंद्र भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। काविंद्र, बात पंजशीर घाटी की हो गई, पंजशीर से आखिर तालिबान को क्या डर है, क्या इसका इतिहास है और किस तरह से यहाँ पर विद्रोह शुरू हो गया है? छह की संख्या में जो कमांडर्स टॉप लीडरशिप में बैठे हुए हैं, ये प्रेसिडेंशियल जो पहले से वहां पर बैठ के अगर ये सोचते हैं कि पूरे देश को चलाने वाले हैं तो ये भूल है, क्योंकि ये लोग भी जानते हैं इन्होंने पूरी कंट्री को डिस्टेबलाइज जरूर कर दिया है, लेकिन रिजिस्टेंस की जो वॉइसेस है वो लगातार उठने लगी है। अब आप बता दें कि इन लोगों ने तो ये तस्वीर पेश करने की कोशिश की कि गोलियों से इन आवाजों को दबा दिया जाएगा, लेकिन ये लोग ज्यादा वक्त तक वो चीजें नहीं कर सकते, क्योंकि अगर कई दफा ये गोलियां चलाने की कोशिश करेंगे तो यूएन को इसमें मजबूरी में कूदना पड़ेगा। तो ऐसे में ये लोग एक तरफ पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये दिखा सके कि हाँ अब हम लोग एक अच्छी पॉलिटिकल पार्टी की तरह, एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी की तरह हम काम करने जा रहे हैं, लेकिन
आखिर में है तो ये आतंकवादी ही, तो इनकी जो जो नीचे इनके लोग काम कर रहे हैं वो इनकी सुन ही नहीं पाते, वहां तक मैसेज नहीं पहुंच पाता। और नीचे जो चीजें दिखाई दे रही है जैसे कि कहीं किसी की मौत हो जाना, तमाम अलग अलग जो अफगानिस्तान के अलग अलग राज्य है वहां से भी इस तरीके की खबरें आ रही हैं। तो ये लोग देश को डिस्टेबलाइज तो कर चुके हैं लेकिन वहां पर पूरी तरह से शासन नहीं कर सकते। इनकी इच्छा जरूर है, जो ऊपर के पांच छह जो लोग हैं जो टॉप मोस्ट लीडरशिप में जो लोग बैठे हुए हैं उनकी इच्छा जरूर है कि हम बकायदा शासन करें, अफगानिस्तान हमारी कंट्री हो जहां पर हमारा राज चले, लेकिन ये दिनों का है नहीं क्योंकि रेजिस्टेंस की वॉइस होना शुरू हो चुकी है और पंजशीर से जो ये रेजिस्टेंस की जो वॉइस उठना शुरू हुई है इसके बाद ज्यादा दिन का तालिबान है नहीं। और एक चीज है कि कावेंद्र यहाँ मैं आपको टोक रही हूँ, दरअसल कावेंद्र कुछ ऐसी भी तस्वीरें अभी सामने आई है जहाँ पर कुछ वीडियोस में जो तालिबानी लड़ाके हैं वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम अमेरिका को नहीं छोड़ेंगे, यानी कि खुले तौर पर अमेरिका को धमकी दी जा रही है। इस पर अमेरिका किस तरह से रिएक्ट कर सकता है और कब कर सकता है ऐसा कुछ लगता है, क्योंकि जिस तरह से आप लगातार बता रहे हैं कि ये जो तालिबान है वो ज्यादा दिन का ऐसा खेल नहीं है। जी बिल्कुल, अमेरिका इस पर रिएक्ट करेगा, अमेरिका इस पर हंसकर रिएक्ट करेगा क्योंकि अगर अमेरिका ने रिएक्ट कर दिया तो ये ज्यादा दिन रिएक्ट नहीं कर पाएंगे। सीधे तौर पर काजू आपको बता दूं कि अमेरिका के सामने ये लोग जिस तरीके की हरकतें कर रहे हैं ये वही हरकतें हैं जो बाकी तमाम आतंकवादी करते हैं बड़े बड़े देशों के खिलाफ। दिन अमेरिका को धमकी दिया करता था लेकिन उसको घुसकर उसके घर में ही मार दिया अमेरिका ने। ऐसे में भी कई आतंकवादी हैं जो पीओके से जो पाकिस्तान से भारत के लिए गलत बयानी करते हैं, आग उगलते हैं, तरीके की बातें करते हैं लेकिन उनको सबक सिखा चुका। तो ये अपने बिलों में रहकर इस तरीके से बातें करते रहते हैं लेकिन इनका दिन का ये चल नहीं पाता है। वैसे ही अमेरिका को लेकर ये जो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं ये सब है कि अगर उनके इतने बड़े उन्हीं की तरह एक आतंकवादी जो इतना बड़ा रहा हो उसको अगर ये लोग घर में घुसकर मार सकते हैं तो इनको मारने में ज्यादा लगेगा नहीं। तो ये जो धमकियां हैं ये सिर्फ एक बकवास है, इसका अमेरिका पर कोई असर पड़ने वाला नहीं। हां क्योंकि अमेरिका आपको बता दूं कि अभी तक 30,300 से ज्यादा लोगों को वहां से इवैक्यूएट कर चुका है। अगर अमेरिका के किसी अधिकारी या अमेरिका के किसी नागरिक पर वहां पर कोई भी जुर्म होता है कि हत्या होती है किसी भी तरीके का कुछ अगर सुनने को मिलता है तो छोड़ने वाला नहीं है। तो अमेरिका ने साफ कहा है कि हम 7 लोगों को इवैक्यूएट करेंगे, सबको आप दीजिए, अगर उसमें तालिबानी कोई भी बकवास करते हैं तब ऐसे में ये छोड़ने वाले नहीं अमेरिका वाले उनको। बिल्कुल कावेंद्र आपका रुख करूंगी, आप बने रहिए मेरे साथ। पारुल के पास मैं जाऊंगी। पारुल, जिस तरह की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, रोजाना हम कुछ ना कुछ नया देख रहे हैं तालिबान की तरफ से, तालिबान के चेहरों पर से जो उन्होंने अच्छाई का मुखौटा लगा रखा है वो एक के बाद एक हटता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन पारुल, ये जो गीदड़ भभकी है जो तालिबान लगातार दे रहा है, चाहे वो अमेरिका को चाहे वो रूस को, ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि हम महाशक्तियों से नहीं डरे हैं तो हम फिर अफगानिस्तान से कैसे डर सकते हैं। अफगानिस्तान में जो विरोध कर रहे हैं वो एक छोटा सा समूह है पारुल, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अफगानिस्तान में तालिबान का समर्थन करते हैं। क्या वो छोटी सी संख्या तालिबानी जो खूंखार लड़ाके हैं उनका खात्मा करने में सक्षम है? वैसे तो अमेरिका के जो आधुनिक हथियार हैं वो तालिबानी लड़ाकों के पास है। अफगानिस्तान भी आगे बढ़ रहा था लेकिन 21 साल पीछे होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल काजोल, सबसे पहले मैं इसी बात पे आऊंगी जो आपने कहा कि अब अफगानिस्तान 21 साल पीछे होता हुआ नजर आ रहा है। ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि अफगानिस्तान धीरे धीरे उभर रहा था और एक अपने आप को सबके सामने जो है वो अच्छी तरह से लाना चाहता था, लेकिन जब से तालिबान ने कब्जा किया अफगानिस्तान बिल्कुल 20-21 साल पीछे चला गया है। और देखिए काजोल, लगातार आप जो भी कह रही थी कि अफगानिस्तान एक तालिबान माफ कीजिएगा ये कह रहा है एक तरफ तो कि हम अपनी छवि सुधारने का प्रयास तालिबान कर रहा है, दूसरी तरफ रूस और अमेरिका जैसी दोनों देशों को जो है गीदड़ भभकी भी देता नजर आया। तो काजो देखिए, साफ तौर पर यह कहना गलत नहीं होगा कि तालिबान की जो है वो डबल फेस इस समय दिख रहा है। वो इसलिए क्योंकि एक तरफ वो कह रहा है कि हम पहले की तरह नहीं है, हम अपनी छवि सुधार चुके हैं, हम खुद को सुधार चुके हैं और हम महिलाओं के प्रति वैसा नहीं करेंगे और पुरुषों के प्रति भी वैसा नहीं करेंगे जैसा पहले किया करते थे। दूसरी तरफ वो अमेरिका और रूस जैसे बड़े देशों को गीदड़ भभकी भी देता नजर आया, यानी कि काजो साफ तौर पर डबल फेस तालिबान का देखा जा सकता है। देखिए पहले तालिबान ये कह रहा था कि हम जो है महिलाओं के प्रति कोई भी अपराध नहीं होने देंगे, महिलाओं को सुरक्षा देंगे और ये अपील भी की गई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी और ये कहा गया था कि महिलाएं भी काम कर सकती हैं। हालांकि ऐसा एक जगह देखा भी था कि एक फीमेल एंकर को भी न्यूज चैनल में जगह दी गई थी कि आप अपना काम वैसे ही करिए जैसे पहले करती थी। लेकिन काजोल, जो ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें तालिबान का क्रूरता तालिबान की दिख रही है, उससे यह साफ दिख रहा है कि
तालिबान अभी भी सुधरा नहीं है, तालिबान अभी भी वैसा है जैसा कि पहले था, और इसीलिए तालिबान की देखिए जो लोग भारत वापस लौट रहे हैं, तस्वीरें आ रही है उसे ये जरूर कहा जा सकता है जिस तरह से अब जो नॉर्दर्न अलायंस है उसने विद्रोह करना शुरू कर दिया, उसे ये जरूर कहा जा सकता है कि अब आने वाले समय में तालिबान के दिन जो है वो ज्यादा अच्छे नहीं है। बिल्कुल, और काजोल इसीलिए जो नॉर्दर्न अलायंस है ये वही गुट है जिसने 20 साल पहले भी जो है वो किया था, और ऐसे में नॉर्दर्न अलायंस जो है ये मोर्चा खुल चुका है तालिबान के खिलाफ और कहीं ना कहीं मुंहतोड़ जवाब तालिबान को वो दे सकता है। ठीक है, बिल्कुल पारुल आपका रुख करूंगी, मनीषा लगातार हमारे साथ बनी हुई है। मनीषा, नॉर्दर्न अलायंस को लीड कर रहे हैं अहमद मसूद, जिनके कहने पर जो विद्रोह है वो शुरू हो चुका है। इस विद्रोह को हम चिंगारी कहें कि अब चिंगारी लग चुकी है, आग लगनी बाकी है और तालिबानी लड़ाके जो है इस आग में झुलसने वाले हैं। जी देखिए काजोल, जो अहमद मसूद है उन्हें शेर का बेटा भी कहा जाता है क्योंकि उनके जो पिता हैं उन्होंने वो जो नींव रखी थी वहां पर, और ये क्या आसान बात नहीं है कि किस तरीके से जो तालिबान कह रहा है कि हम तो वहां पे मतलब हमला कर देंगे, और वहां पे जो उन्होंने आंकड़ा भी बताया कि हमारे 300 पंजशीर में जो लड़ाई के वक्त में जो आतंकी मारे गए हैं, जो तालिबानी मारे गए हैं, वो भी आंकड़ा अभी तक साफ नहीं हो पाया। लेकिन जो बातें हैं कि पंजशीर पर हमला करना इतना आसान नहीं है क्योंकि वहां पर जो नींव रखी गई है वो एक शेर की नींव कही जा सकती है, क्योंकि आसान नहीं है किस तरीके से वो पनपा है, किस तरीके से उसको पाला गया है, हम कहें कि पंजशीर को, तो वहां पर आसान नहीं है। हालांकि तालिबान ये धमकी दे रहा है, ये चुनौती कह सकते हैं कि चुनौती दे रहा है कि हमने तो पूरी तरीके से ये कोई बड़ा खेल नहीं है। कावेंद्र कुछ कहना चाह रहे हैं, कावेंद्र नॉर्दर्न अलायंस को हम किस तरह से समझ सकते हैं क्योंकि चिंगारी अब लग चुकी है पंजशीर में और अब ऐसा लग रहा है कि इसका असर जो है वो पूरे अफगानिस्तान में देखने के लिए मिल सकता है। अगर पूरे अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ आवाज बुलंद होती है तो क्या तालिबानी जो लड़ाके हैं वो वापस लौटेंगे या फिर युद्ध होगा? बिल्कुल, देखिए हजारों किलोमीटर जो है ये हरकत चल रही है, इसको समझने के लिए भारतीय परिप्रेक्ष्य में इसको समझते हैं। हमने क्या नहीं देखा, क्या विदेशी आक्रांताओं ने हमारे देश में आक्रमण नहीं किया और इनको किन्होंने खदेड़ा? हम ही लोगों ने छोटे छोटे गुट बनाकर इनको खदेड़ा, तो ये लोग कई देशों से खदेड़े जा चुके हैं। तो आतंकवादियों का कोई ज्यादा दिन का कहीं पर निवास नहीं होता, इनका कोई परमानेंट एड्रेस नहीं होता, ये टेंपरेरी होते हैं और सीधे इनका जो परमानेंट एड्रेस बनता है वो ऊपर जाकर बनता है। इसके अलावा काजोल एक और बात बताऊं कि बार बार इस तरीके की संशय व्यक्त किया जाता है कि अच्छा तालिबान है कि बुरा तालिबान है, कि ये लोग सुधर गए हैं कि नहीं सुधर गए हैं। एक बात अपने दर्शकों के लिए भी क्लियर करता चलूं काजोल की कभी सुधरते नहीं है। आतंकवादी अच्छा फॉर्म हो, बैड फॉर्म हो, आतंकवादी आतंकवादी ही होता है, तो उसको बिल्कुल क्लैरिटी रहनी चाहिए कि अच्छा आतंकवादी आतंकवादी जैसा कुछ नहीं होता। तालिबान जो है वो पर्यायवाची है आतंकवाद का, तो आतंकवाद कभी भी अच्छा या बुरा नहीं हो सकता। तो उसको समझने की बिल्कुल भी भूल ना करें कि 1.0 अच्छा था, 2.0 उससे ज्यादा अच्छा है, 3.0 और अच्छा आएगा, ये कोई वर्जन की बात नहीं। चलिए ठीक है कावेंद्र, मेरे पास समय की कमी है, कावेंद्र माफ कीजिएगा आपको बीच में रोक रही हूँ, मेरे पास समय की कमी है। आप सभी का बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा करने के लिए। तो तालिबानी जो लड़ाके हैं वो अपने आप को खूंखार साबित करने में जुटे हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ तालिबान ये कह रहा है कि वो लगातार दूसरा तालिबान है, उसका चेहरा पूरी तरह से बदल चुका है, अब वो तालिबान नहीं है जो 21 साल पहले तालिबान हुआ करता था। लेकिन एक सप्ताह में तालिबान ने दिखा दिया है कि तालिबान पर विश्वास करना नामुमकिन है। अब आगे देखना होगा कि जो पंजशीर में चिंगारी लगी है इसकी आग क्या पूरे अफगानिस्तान में फैलेगी। फिलहाल के लिए आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।